और नेक्स्ट हम पे चलेंगे, क्या लिखा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। ओके, लास्ट टर्म ऑल्सो गिवन इट -150, फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन इट 11, ऑल्सो डी इज ऑल्सो फाइंड आउट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। ओके, सो क्वेश्चन इज 11852, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, एपी 11852, लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन इट, ए इज इक्वल टू 11, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 11 माइनस 3। ओके, इज दैट क्लियर? एंड देन लास्ट टर्म एन इज इक्वल टू -150। सो लेट्स स्टार्ट। बोला क्या है कि 150 वाला टर्म्स कौन से नंबर में आता है वही आपको बताना है। ओके, सो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो -150 इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू -3। 11 इज ऑपोजिट साइड, -150 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। सो -161, ओके, 3 एन माइनस 1 इंटू -3, -3 डिवाइड में आएगा। ओके, एन माइनस वन निमे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, न्यूमरेटर माइनस माइनस प्लस, राइट, 3 से डिवाइड करो, 6 प्लस 1 प्लस 1 8, 8 3 से ऑलरेडी डिवाइड होता है, तो 8 6 7 8 3 से डिवाइड नहीं होता है आपका आंसर। ओके, सो राइट, राइट, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो राइट, आपका आंसर क्या रहेगा, वही का वही रहेगा। ओके, सो -161 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, माइनस 1 को उठा के सामने लेकर आओ, 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। ओके, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सो 3 वन जार 3, राइट, तो प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 164 अपॉन 3, राइट, इज कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट, कभी भी कोई भी टर्म्स डिवाइड में नहीं आता, फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, कभी ये ऐसा नहीं आएगा कि 5.2 वाला टर्म या फिर -3/2 वाला टर्म फाइंड आउट करो, मीन्स ये सम रॉन्ग है, मतलब इसका -150 टर्म ये वाले एपी में नहीं आ रहा है। ओके, सो इसके बाद वाला सम मोस्ट आईएमपी। ओके, इस टाइप के सम एग्जाम में बहुत बार आते हैं, सो चेक आउट इट। ओके, जस्ट नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, फाइंड द 31st टर्म एपी हुज 11th टर्म इज 38, राइट, आपको 31 वाला जो टर्म है ना वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन अच्छी तरह समझना, आपको 31 वाला टर्म फाइंड आउट करना है, 11th टर्म आपको दे दिया गया है 38, एंड देन 16th टर्म इज 73। ओके, सो जो अभी आप लिख के बताता हूँ, देखो आपको क्या करना है, ए 31 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये बात क्लियर हो गई, चलो ए 11th टर्म आपको दे दिया गया है 38, जबकि ए 16th टर्म आपको दे दिया गया है 73, मीन्स यहाँ तक का तो आपका क्लियर हो गया है। चलो अभी अपने क्या करेंगे, इसके दो टर्म दो इक्वेशन बनाएंगे, इसका एक इक्वेशन, इसका इक्वेशन, क्योंकि अभी तक के समय में क्या था, अपने को ए और डी की वैल्यू गिवन थी, जो अभी नहीं गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दो टर्म बनाने इसलिए मैं दो बाजू बाजू में लिख रहा हूँ, जिस तरह आपको इजीली आप समझ सको इसको। ओके, ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ए 11 की टर्म की वैल्यू कितनी है, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी, इक्वेशन नंबर 1 बन गया ये वाला। ओके, सेकंड यहाँ पे चलेंगे, ए 16 इज इक्वल टू, राइट, ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ए 16 की वैल्यू गिवन है 73। ओके, ए प्लस 15 डी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, कोई भी एक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, उसको दूसरे इक्वेशन में आपको प्लेस कर देना है। ओके, इतना ही काम आपको करना है। चलो ए को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, 10
टेन डी को उठा के सामने ले जाता हूँ, 38 माइनस टेन डी इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री को मैं प्लेस कर दूंगा इक्वेशन नंबर टू में, ओके। ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, 73 इज इक्वल टू 38 माइनस टेन डी प्लस 15D, ओके। 38 को उठा के अपने सामने ले जाएंगे, 73 माइनस 38 इज इक्वल टू माइनस टेन डी प्लस 15D, मीन्स क्या होगा, 5D बचेगा आपके पास, ओके। तो 73 में से 38 को आप माइनस करो, सो कितना आएगा, 7 के ऊपर 6, 13, राइट, 7, 13 माइनस 8, कितना बचेगा, 3 और 2, 5, 6 माइनस 3, 35 इज इक्वल टू 5D, तो 5 को कट कर देंगे, 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू डी, सो 5 7 जाए तो डी की वैल्यू आपको कितनी मिली, 7 मिली, ओके। चलो यहाँ तक का तो आपका क्लियर हुआ, अभी ये वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दो, ओके, ये वाला इक्वेशन नंबर थर्ड में, 38 माइनस 10 इंटू 7 डी की वैल्यू, जगह पे मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 7 लिख दिया है, ओके, 38 का 38, राइट, कितना आएगा, 10 7 जार 70, ओके, 10D, तो 10 7 जार 70, तो कट करो, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 38 में से, राइट, 70 में से 38 आपको माइनस करना है, तो माइनस 30, तो ये आपको मिली ए की वैल्यू, ओके। अभी आपको क्या करना है, ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है, ओके। अभी आपको फिर से फॉर्मूला रखनी है, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी आपने जस्ट फाइंड आउट किया था माइनस 32, जबकि डी की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया था, कितनी आई थी, 7, ओके। सो फॉर्मूला लिखो, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड आउट करनी है, कौन से, ए 31, ओके, तो एन की वैल्यू आपके पास मिल गई 31, क्योंकि आपको 31 वाला टर्म फाइंड आउट करना है, ओके। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 32, जबकि एन की वैल्यू 31 माइनस 1, डी की वैल्यू 7, ओके, यहाँ तक का क्लियर हुआ। चलो माइनस 32 का 32, 31 माइनस 1 30 इंटू 7, ओके, सो माइनस 32, 3 7 जार 210, ओके, 210 में से 32 माइनस कर दो, कितना आएगा, 178, तो ए 31 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 178, इज दैट क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट सम पे चलेंगे, लास्ट सम आज का, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल नंबर, ओके, सो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, 50 एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट इज 106, ओके। टोटल आपको यहाँ पे ऐसा बोला है कि टोटल 50 टर्म्स आपको दिए गए हैं, ओके, जो थर्ड टर्म है वो 12 है एंड जो लास्ट टर्म है वो 106 है, मतलब लास्ट टर्म तो ऑलरेडी 50 टर्म्स ही है ना, तो ए 5106 हो गया, सो फाइंड द 29th टर्म, आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। चलो ले लेते ये वाला सम भी, ओके, सो ए 3 इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है 12, जबकि ए 50 आपको दे दिया गया है 106, ओके, लास्ट टर्म है, राइट, सो इसमें अपने क्या करेंगे, इसके जैसा ही फिर से आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए 29, सिंपल वही मेथड वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेकंड वाली इसके लिए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सो ए 3 की वैल्यू कितनी है, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, क्लियर फर्स्ट वाला। यहाँ पे देखो ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस 50, एन की वैल्यू कितनी है, 50, यही लिखेंगे एन की वैल्यू, 50 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 50 की वैल्यू कितनी, 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49D, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में से ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर 3, ये थर्ड वाली प्लेस यहाँ पे प्लेस कर देंगे, 106 इज इक्वल टू 12 माइनस 2D प्लस 49D, ओके, 12 को उठा के सामने ले जाएंगे, 106 माइनस 12 इज इक्वल टू
49 में से 2d माइनस होगा ओके, सो कितना आएगा 47d, और यहाँ पे कितना आएगा 94 ओके 47d, सो 47 को कट डिवाइड में ले जाओ, 94/47 इज इक्वल टू d, सो d की वैल्यू आपको कितनी मिली 2 ओके, 47 टू जार 94, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी मिली 2 मिली। अभी आपको यही वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 ओके, सो 12 माइनस 4 तो कितना आएगा ई की वैल्यू, 12 में से 4 करो 8 ओके, सो यहाँ तक का आपका क्लियर हुआ। अभी आपको थोड़ा सा ही करना है, लास्ट बाकी रहा आपका a29 के लिए, सो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू a29 जबकि e की वैल्यू 8, n की वैल्यू 29 माइनस 1 क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करना है, जबकि d की वैल्यू आपके पास है 2 ओके, a29 यहाँ पे आपको a29 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू 2 ओके, 8 का 28 टू जार 56 प्लस 8 तो कितना मिला 64, तो a29 की वैल्यू आपको कितनी मिली 64, इज दैट क्लियर ओके।